हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके के टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही बेटर रहेंगे। सो मैंने आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं तो ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम मेरे फ़ोन पे ही होंगे, लेकिन अभी तो कोई क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, या तो सेंट्रल जाएगा या जैसे भी मैनेज होगा वो हम वीडियो में डाल देंगे। लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बता ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और आज का वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रशीतन चक्र में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें रेफ्रिजरेंट जो फ्लो करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सपेंशन वाल्व की ज़रूरत होती है। तो इसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं एक्सपेंशन वाल्व को विस्तार वाल्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तार वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट के रिसाव की स्थिति में हैलाइड टॉर्च लौ का रंग बदल जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट होता है, जब धीरे धीरे इसका रिसाव होता है ऐसी कंडीशन में, हैलाइड की टॉर्च से निकली हुई जो रेज होती हैं उनका कलर कैसा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमकीला हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक एयर कंडीशनिंग के लिए आपूर्ति की जाने वाली हवा में बाहरी हवा का प्रतिशत होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में एयर कंडीशनिंग के लिए आपूर्ति की जाने वाली जो हवा बाहर से एग्जॉर्ब की जाती है तो हमेशा वो 100% ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, NH को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हुए वाष्प संपीड़न चक्र में प्रारंभिक आवेश भरा जाता है, क्योंकि जिसमें जो NH रेफ्रिजरेंट है इसको बोलते हैं नियोनियम। ये जो है इसका प्रयोग करते हुए वाष्प संपीड़न चक्र में प्रारंभिक आवेश भरा जाता है। इसमें जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि जो रिसीवर के करीब उच्च दबाव पक्ष होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थर्मामीटर द्वारा दर्ज हवा का तापमान जब यह हवा में मौजूद नमी से प्रभावित नहीं होता है तो यह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क वाल्व तापमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशोषण प्रणाली सामान्य रूप से निम्नलिखित शर्त का उपयोग करती है। जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें ठंडक बनाए रखने के लिए हम अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रकार का रेफ्रिजरेंट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वाष्प अवशोषण रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के संपीड़न से बचा जाता है। ऑप्शन बी, कंडेंसर के माध्यम से अधिक मात्रा में ठंडा पानी परिचालित करके उपशीतलन प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी, वाष्प संपीड़न प्रशीतन में वाष्प अपने चूसण स्ट्रोक के दौरान कंप्रेसर सिलेंडर में खींचा जाता है और संपीड़न स्ट्रोक के दौरान एडियाबेटिक रूप से संकुचित किया जाता है, जो कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उच्च दाब पक्ष या अमोनिया अवशोषण प्रणाली पर स्वीकार्य दबाव प्रेशर का क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 56 bar पर इसका जो है स्वीकार्य दबाव प्रेशर इसका उच्च दाब क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर्दियों में कार्नो रेफ्रिजरेटर का COP गर्मियों में COP की तुलना में उच्च होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चैपरॉन समीकरण के बीच संबंध है। चैपरॉन समीकरण के बीच तापमान दबाव विशिष्ट मात्रा में इंथैल्पी के बीच संबंध को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
आद्रीकरण प्रक्रिया के दौरान बढ़ जाती है। आद्रीकरण प्रक्रिया क्या होती है? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसमें जो होता है इसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाष्प संपीड़न चक्र में सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है? वाष्प संपीड़न चक्र में सबसे कम तापमान वाष्पीकरणकर्ता की जगह पर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नम हवा के लिए दिए गए आयतन में जल वाष्प के वास्तविक द्रव्यमान का समान तापमान और दबाव पर संतृप्त वायु के समान आयतन में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रशीतन चक्र में ठंडा होने पर जब रेफ्रिजरेशन साइकिल जब ठंडी हो जाती है तो उसकी सीओपी का मान बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट होता है, जो घर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो रेफ्रिजरेंट कहलाता है R12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और आज की क्लास बस में बस इतना ही। थैंक यू।